आज का दिन है, बच्चों के कच्चे पेपर हुए हैं और उनका आज रिजल्ट है। देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो किया है वो भी कोई करने लायक है कि नहीं है? नंबर शंबर बन जाएंगे? जैसे हमारे क्रिकेटर जीत गए या हार गए, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। करो माशाल्लाह जरूर कीजिएगा, मेरे बाल माशाल्लाह से काफी बड़े बड़े लग रहे थे। आपको पता लाल भाई का आपने नोचना छोड़ा है। तो जनाब इन्होंने इंग्लिश ग्रामर के अंदर लिखा है फेवरेट गेम के ऊपर ऐसे। सबसे पहले मेरे बेटे की जो फेवरेट गेम है वो है हैकी। लाइट भी जाने वाली है, गैस और लाइट वालों की मिली भगत है, हम जैसे आम इंसानों को जीने न देंगे। कोई बात नहीं, अभी तुम ये चाह रही है समझ आ गई, मैं सिलेंडर अभी लेके आऊँ। अरे यहाँ पे ना यहाँ पे एक चिड़िया बिठा दो ऐसे करे चू चू। चिड़िया से याद आया, माशाल्लाह से हमारे तोतों ने 2 अंडे और दे डाले। ये देखे जी 6,000 का ये चक्कर है कि अंकल भी पूरे खड़े हो गए हैं और उसने बदल सहला। क्या बात है, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? उम्मीद है आप तो सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, जबरदस्त। तो गाइज आज का जो दिन है ना, आज का दिन है बच्चों के कच्चे पेपर हुए हैं और उनका आज रिजल्ट है। देखते हैं हमारे बच्चों ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। हम भी हैं। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद सब ठीक ठाक होंगे, वेलकम इन्होंने कर दिया। मुझे पहले सबसे पहले ये बताओ, ये कच्चे पक्के पेपर क्या हो? अंडा तो सुना है कच्चा पक्का, ये क्या होता है? अबे हम पंजाबी हैं, ठीक है पंजाबी में, ठीक है। जो फाइनल पेपर थे पहले होते थे उसे हम लोग कच्चे पेपर बोलते थे, फाइनल पेपर होते पक्के पेपर बोलते, समझ आई आपको? ठीक है हमारे साथ ज्यादा ना, ठीक है दौड़ लगाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या कहते हैं? मंथली असेसमेंट। अबे सही है, ठीक है तो अंग्रेजी में बोल रही है, हम पंजाबी में बोल रहे हैं तो इसमें कोई फर्क है? बताएं गाइस आप लोग बताएं, अगर अंग्रेजी में बोल दिया पंजाबी बोल दिया फर्क है तो बता दे हमें, ठीक है? ऐसी दिमाग सुबह तक चढ़ने लगी है। हाय कहाँ हो भाई? आज पे, नीचे भी चले के पेपर है, पेपर है। रुको जरा, प्रिया जी बताओ कोई किया है? रिजल्ट आएगा अच्छा या बस फेल होगी? तो रिजल्ट है ही नहीं। क्यों? आज तो खाली मुस्तफा का रिजल्ट है भाई। है? खाली तुम्हारा? मुझे ये बताओ कुछ है, चांस है? हाँ मैंने एसएससी के पेपर में क्वेश्चन छोड़ा। अभी तो और पता चलेगा क्या क्या छोड़ा। और बता दो, पहले पहले बता दो क्या क्या छोड़ा। मैंने फिर उर्दू के पेपर में कुछ नहीं छोड़ा, मैथ के पेपर में कुछ नहीं छोड़ा और इंग्लिश के पेपर में मैं छोड़ा, साइंस के जो पेपर में मैंने वो छोड़ा था, क्या कहते हैं उसे, डेफिनेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, जो किया है वो भी कोई करने लायक है कि नहीं है? नंबर शंबर बन जाएंगे? पास हो जाएगा? भाई फर्स्ट वाली कहानी हमें, ठीक है ऐसी नहीं सुनाए, बाकी देख लेते हैं क्योंकि इसने मेहनत माशाल्लाह काफी ज्यादा की है। इसके जो स्कूल वाली टीचर उन्होंने काफी मेहनत करवाई है, स्कूल वाली टीचर उन्होंने काफी मेहनत करवाई, उसके बाद ट्यूशन वाले भी काफी मेहनत करवाई, देखो इन्होंने काफी मेहनत की है। लेकिन रिजल्ट जो, ठीक है हम जाने लगे हैं स्कूल, क्या रिजल्ट आने वाले हैं आपको बताने वाले हैं। आपके बच्चों के अगर ठीक है कच्चे पेपर हो रहे ना तो उन्हें रिजल्ट चंगे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं कमेंट से जरूर इजहार करना। पहले तुम तो चलो, ये पता नहीं नाक कटाता है कि नाक उठाता है। कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी, पास तो हो जाएंगे ना। चलो फिर उठो निकले, लड़कों के लिए इतना ही काफी है। लड़कों के लिए इतना ही काफी है, लड़की ने फर्स्ट आना था भाई, मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1 पे फर्स्ट ही रहेगी लड़कियां, ठीक है तुम सेकंड में, ठीक है। तो तकी बाबा हमारे मस्तियां करेंगे, जल्दी बाहर लेके जाओ, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक भी करो। जैसे हमारे क्रिकेटर जीत गए या हार गए, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो निकलते अभी, सब्सक्राइब प्लीज करो। 1 hour later बेगम साहब, तो भाई इनका रिजल्ट आ गया, माशाल्लाह से पास हो गए, मगर शिकायतों का एक लंबी फहरिस्त इनकी टीचर ने पकड़ा दी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, वो जैसे के लड़के, अब ये देखो ये भी शरारत है, ये देखो भाई बात सुन, ओए नंबर तो अच्छे ले लिए, शरारते थोड़ी तरह कम कर, माना लड़के लोग शरारते बहुत ज्यादा करते, थोड़ी कम कर। नंबर बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज्यादा गंदे भी नहीं है, मीडियम एवरेज लेवल के नंबर। तो ये बच्चा मीडियम बहुत अच्छा नहीं, वो पप्पो की शादी के बाद जो है ना वो पंजाब से आने के बाद बहुत अच्छा इन्होंने कवर किया, मगर अभी आप सुन ले मेरी बात, इधर टीचर बैठाएंगी वहाँ बैठना, अपनी गैदरिंग जरा कम करो, दोस्तों यारों के साथ पढ़ाई करने की ज्यादा पढ़ाई करो। टीचर कहती है भाई ये शेयरिंग करते हैं, लंच की शेयरिंग, उसके बाद मार धाड़ होती है सब बच्चों की, सब बच्चे कहते हैं इसने ज्यादा खाया, इसने कम खाया, इसने ऐसे खाया वैसे खाया, स्टेशनरी ये सबसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी, अपने पास होती नहीं, बाप की तरह दरिया बहुत ज्यादा दरिया दिल है, दिल में दरिया समाया हुआ इनके। तो भाई ये शिकायतें हैं इनकी जो हमने ऑनेस्टली आप उनके साथ शेयर कर दिया, अभी तुम बताओ। ठीक है पास है तो ठीक है, डन हो गया। तो गाइस माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आ गए इसके, बाकी चैनल के ऊपर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पर लाइक कर लो, अभी चलते करें। A few moments later. क्या हो रहा है यहाँ पे? पास होने के चक्कर में पार्टियाँ मिल रही हैं अब्बा की तरफ से, हैं क्या पार्टियाँ हैं? चॉकलेट मिल रही है और क्या? तुम खाओगे? नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, केक वगैरह पड़े हैं, ब्लाउज आपका दिल कर रहा। बेटा छोड़ दो, रखो खाने का, पापड़ लेकर आ गई है वो। आपने क्या कहा? अभी ब्रेड ले लो तुम, घर जाके नाश्ता करवाते हैं। तो भाई घर जाके खाना, नाश्ते के बाद बेटा, अभी नहीं, घर जाके बेटा, घर जाके वो देखो वो कहाँ खड़ा है, नजदीक से काम लगा, तुम सारों को जाकर मैं अंडे बटर खाती हूँ। अच्छा तो गाइस खुशी के चक्कर में बच्चे पे लूट रहे हैं ना? नहीं यार ये लूटा जाना मेरे बजट से नहीं है। अच्छा क्या बाजी होगी आप पैसे बाहर, क्या क्या लिया तुमने? मैंने एक और वो क्या कह रही है, ये भी लेना है वो भी लेना है, बस कर दो, तकी के नाम पे लूट रही है, तकी के नाम पे लूट रही है और कोई बात नहीं है।
ये देखो यहाँ पे ये रख दिया है, वहाँ पे वो रख दिया है। पेस्ट्री लेने लगे हो, पाइन एप्पल वाली, बचपन वाली। तो बिलाल साहब बजट सीरीज का आज 13वां दिन है, क्या ये बिल बना है भाई? मेरा बना, छोड़ देना, 550 रुपए का मैं दे दूँ। नहीं, ब्रेड ब्रेड तो मैंने लेनी है ना, मेरे ही खर्चे में से आएगी भाई, छोड़ देना, 550 मिल जाएगा, ठीक है? ओए 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 ओए, अस्सलाम वालेकुम, गुड हो गया, घर पे खाने वाले। इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी, मोबाइल की जाना बैटरी लो हो गई है, घर जाके बात करते हैं, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। 1 hour later। अच्छा गाइस, एक और चीज आपको बता दूं, आप लोग जरा माशाल्लाह करो, माशाल्लाह जरूर कीजिएगा, मेरे बाल माशाल्लाह से काफी बड़े बड़े लग रहे थे आपको, पता है लाल भाई का आपने नोचना छोड़ा है। लेकिन ये बाल आपको कल नजर नहीं आने वाले, उसकी वजह क्या है? मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा 3 महीने के लिए, एक एक दिन एक एक पल आपको रिकॉर्ड करूंगा और आपको बताऊंगा रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल तुम इधर आओ जरा, अपने बेटे की कारस्तान। आमीन, तुम तो बोलो पहले, एक बार बोलो मेरे बाल घने हो जाए और टूटे नहीं, आमीन करो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन हो जाएंगे भाई, जा यार। अच्छा अच्छा, मेरी बात बात भी अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी खाना का भी रहा तो बाद में खाइएगा ना। आपने दवाई ली है, जरा सब्र करो। अच्छा मेरी बात सुने, मैं जरा देख रही थी आपके बेटे, क्या देख रही है आप? आपके बेटे के कारनामे देख रही थी, वो मैं जरा अपनी ऑडियंस को ही बताऊंगी। तो जनाब, इन्होंने इंग्लिश ग्रामर के अंदर लिखा है फेवरेट गेम के ऊपर ऐसे, सबसे पहले मेरे बेटे की जो फेवरेट गेम है वो है की। अब ज्यादा है की, हैकी मतलब हॉकी, स्पेलिंग इन्होंने लिखी है हैकी। तो अब इनका माशाल्लाह से आप ऐसे सुने, माय फेवरेट गेम इज हैकी, माय बेस्ट फ्रेंड इज फेवरेट गेम इज फुटबॉल, ठीक है, फुटडॉल लिखा है, फुटडॉल ऐसे कुछ है, मतलब स्पेलिंग इनकी पे जाओ। मैं कहती हूँ सलाम इनकी टीचर्स को, क्या इनकी टीचर का सलाम इन्हें बर्दाश्त कर रही है? हाँ बर्दाश्त कर रही है। आप कह रही हैकी इज ओपन ग्राउंड गेम, हैकी इज माय सिस्टर इन अ प्ले। अरे कहना क्या चाहते हो यार, अंग्रेज भी कह रहे होंगे जहर खा के मर जाओ। नहीं, अंग्रेज कह रहे होंगे कि भाई ये हम पाकिस्तानी को कौन सी अंग्रेजी का हमारे साथ ये चाड़ रहे हैं ना। अगली बात, अच्छा हैकी इज इंटरनेशनल गेम इज कराची, हैकी इज वेरी सीरियस गेम, सीरियस की स्पेलिंग सही लिख दिया क्योंकि ऐसे ही इतना सीरियस लिखा है भाई। माई बेस्ट फ्रेंड इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, हैकी इज फोनी गेम है, फोनी क्या है? चलो कोई नहीं, मेरी जान है इतना, तो जरा हमारा नेशनल गेम ऐसा सुगड़ों का गेम है हॉकी, और इसने बोल दिया फनी गेम, माय बेस्ट फ्रेंड इज अली। अब हॉकी की उसके अंदर अली का क्या काम था, तू उसको भी तुनना है भाई, अली के साथ उसने हॉकी खेलना है ना, इस वजह से अली को तुनना है ना। शाबाश बेटा, क्या बात है ना, देखो ये देखो सारा उस बंदी ने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अच्छा आप लोगों को ना एक और बात बताऊँ, मतलब मेरे बेटे की जो मैंने ना चेक करते हुए इनके मतलब पेपर चेक किए ना, इसमें मुझे एक बात कॉमन नजर आई है, मतलब ये अपने आप को ऐसा समझता है मैं तो 30 मार खान हूँ, मतलब जो मुझे आता है वो मैं सवाल पढ़े बगैर उसका जवाब ले सकता हूँ। यार आप लोग यकीन करो, यहाँ पे देखो माँ इसकी काफिया से काफिया मिला के अपने मिनी ब्लॉग बना लेती है, और बेटा देखो कैसा निखटू है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पर परिंदे आके चहके, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है इसका सवाल यहाँ पे जवाब और इसका यहाँ पे, मतलब ये गवारा ही नहीं किया कि एक दफा अल्लाह के बंदे तू पढ़ ले तू क्या लिखा हुआ है, नहीं सवाल का जवाब लिख के आ। यार वो जल्दी में था ना, समझा कर, हर बंदा जल्दी में, ठीक है जल्दी में, छोटे बच्चे घर में रो रहे थे क्या? जल्दी में तेरा मतलब बता दे, जल्दी में था क्या, खेलने के लिए जल्दी में था, अगला सवाल करने के लिए जल्दी, सही बताइए, जल्दी में था, इसने यहाँ जल्दी दिखाई है। ये देखो अल्फाज जो है ना इन्होंने करने थे वो, भाई बस कर दे, भाई बस कर दे, ठीक है छाट भी तो बहुत हो गया, ठीक है इतनी इतनी रूटीन हम अपनी डेली ब्लॉगिंग में इतनी रूटीन दिखाते हैं काफी है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ, बस आप लोग ये ना समझो कि भाई अजीजा तुम तो अपने बच्चों को बोलते अच्छे अच्छे अच्छे, भाई अच्छे है तभी आपके सामने, बुरे तभी आपके सामने, मगर इसने किया अच्छा, इसको याद था इसकी ट्यूशन टीचर ने बहुत मेहनत करवाई है, जबरदस्त लाइक है, मुझे ट्यूशन टीचर की तरफ से बहुत अच्छा काम करवाया, मगर स्कूल वालों ने बहुत मेहनत की है, अभी जो इनकी मैडम है ना वो भी बड़ा जबरदस्त इनको अपनी नजर में रख रही है, लाइक है आपको भी, मगर इनकी जो गलती है ना वो ये इनको आता था, इसके बावजूद जो ना जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने अपना खाना खराब किया। चलो भाई कितनी जल्दी थी मेरी जारी, तो बता आपके बच्चे भी ऐसा कुछ करते हैं तो अपने ठीक इजहार करें कमेंट्स के अंदर, हम लोग वीडियो पर लाइव भी करें, इतना अन्ना हो गया यहाँ पे, बड़ी छोटी रकम का इसने देखा ही नहीं है यार, जल्दी है ना हमें भाई, जल्दी है कुछ, ठीक है जल्दी जल्दी सारे काम करें, इस वजह से ठीक है बस ऐसे काम हो जाते होते हैं, बाकी बच्चे एलईडी भी जल्दी जल्दी देखे, काश खेल भी जल्दी जल्दी लिया करें, मतलब क्या है यार, मतलब इतनी लापरवाही, That is not good way. अब तो गाइस आजकल ये माँ के पीछे लगा हुआ है, मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, स्मार्ट लोगों के लिए, ऐसी स्मार्टनेस ना दिखाओगे, एक सवाल सही से किया नहीं अगले पे भाग जाओ, तो मतलब ये क्या बात हुई यार। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो वो अपना रोना रोल लग गया कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, बेटा इंशाल्लाह तेरा टाइम आएगा, आपको लेके देंगे, अभी आप 9 साल के हो, थोड़े बड़े होकर लेके देंगे। मैं चैलेंज दे रही हूँ, जो इसने मेरे नाक में आजकल दम करके रखा हुआ है ना, अगर तो ये अच्छा आप लोगों का कोरबा बताऊँ, मुस्तफा साहब ना ये 29 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ था, तो हम बचपन में ऐसे करते थे कि इसकी जो ज्यादातर बर्थडे है ना वो हम 29 रबीउल अव्वल में ही मनाते थे, कि सरकार के महीने में जो है ना इसकी बर्थडे मनाते थे,
मगर ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो है ना बर्थडे वो आती है 21 जनवरी को। तो भाई मेरी तरफ से इनको ये चैलेंज है, अगर ये मेरे नाक में दम करना कम कर देंगे और अच्छे अच्छे पढ़ाई करेंगे तो मैं इनको क्या पता अच्छे से अच्छा गिफ्ट ले दूं, मगर 21 जनवरी तक ये मैं नोटिस करूंगी। अगर ये बिगड़े शिगड़े और पढ़ाई पे फोकस ना किया तो गई तेल लेने, बर्थडे गई तेल लेने। हाँ जी मुझे तो चैलेंज मिल चुका है। क्या क्यों ये बड़ा टीला है, क्या ये चाह रहा है कि मतलब ना हम कुछ करें, ना ही लगे ना फटकड़ी और रंगाए चोखा। ये क्या, ये कहाँ से निकाला भाई, मैं तो समझ रहा था ये कोई बातें से पंजाबी की पता नहीं है। तो भाई देखो कैसी कैसे मसाले, हमें नहीं पता कैसी टोटके मसाले दिखा। बंदर ना क्या जाने अदरक का स्वाद, चल बंदर चल बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता, चल निकले। तो गाइस आप चैलेंज के बने हो, इसको दे दिया, अगर एक्सेप्ट करता तब भी सही, नहीं करता तो चैलेंज तो चैलेंज मिल चुका है बस। तो वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल के बने सब्सक्राइब करें और मैं जाने को काम पे, मेरे टाटा बाय बाय। तो गाइज आज के इलेक्ट्रिक वालों ने हमारी जान के ऊपर इतना रैम कर दिया, इतना रैम कर दिया कि भाई सुबह की लाइट दोपहर की लेके गए हैं वो, और अभी 4 बजने वाले हैं, लाइट वापस आने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं लाइट खराब है या वैसे ही आजकल जो है ना बहुत मेहरबान हुए हैं, लोड शेडिंग के मामले में हमारा एरिया इनको नजर आया हुआ है। 2-4 तारीफें क्या कर दी, तुम लोग तो दिल पे ही ले गए थे यार। तो अभी ये है कि मुस्तफा साहब आज हम बनाने वाले स्पेगेटियां, बनाए क्या? हां बनाते हैं। तुम्हें तो पसंद नहीं है ना? क्यों नहीं पसंद? बनाऊं फिर मैं? क्यों नहीं पसंद है? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है एक्साइटमेंट का। और मामा आपको तो बताया मेरी बर्थडे में ये दिखाएंगी चपेड़े। ये समझ रहे हो ना? तो भाई बात सुनो, कोई स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं है, मैंने जो चैलेंज दिया वो अगर पूरा करते तो ठीक है, नहीं तो जाओ चलो टाटा बाय बाय गुड बाय। तो भाई मुस्तफा साहब अभी बात कुछ ऐसे हुई, किधर गए मेरे 500? तो गाइस अभी जो है ना हमारा आज 28 तारीख है और 28,000 हमारे खर्च हो चुकी है। एक दिन में 1,000 खर्च नहीं किया, 24,000 तो एक दिन में खड़े खड़े उड़े। बाकी अभी ये जो जनाब ये 28 तारीख है, 28,000 हमारे मतलब ये अभी अगला जो है ना 1,000 हमने निकाला है, और वो आज स्पेगेटियां बनाएंगे, उसके लिए सामान मंगवाएंगे। ठीक है टेंशन ना लो तुम लोग, तुम लोगों की बहन इंशाल्लाह जीत जाएगी। वो ऐसे कि हमारे पास राशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो भाई चिकन थोड़ी सी पड़ी हुई, उसी से काम चलाएंगे, उबाल के उसको हम कर लेंगे। बाकी अभी मुझे स्पेगेटियों के लिए तुम जाके अंडे ला दो और साथ में जो है ना वो सब्जियां ला दो, क्या कहते हो? ये ले पकड़ ले। तो मैं जो आपको बात बता रही हूँ आपने वो चीजें लेके आनी, जिसमें एक पाव गाजर, कान खोल के दिमाग खोल के सुन लेना है, गलती नहीं करनी, एक पाव शिमला मिर्चे, एक पाव गाजर, ठीक है, और आधा किलो लेकर आओगे तुम बंद गोभी, बंद गोभी आधा किलो, ठीक है, बाकी सब पाव पाव दोनों चीजें, मटर मेरे पास है, बाकी 4 अंडे ले आना, ठीक है? क्यों दिमाग के अंदर बत्ती नहीं है क्या, बत्ती कम है क्या? हाँ, है? हाँ। तो भाई आपको मैंने बता दिया है, बाकी गाजर और शिमला मिर्चे पाव, एक पाव शिमला मिर्च, एक पाव फूल गोभी, तुमसे ना हो पाएगा, नहीं फूल गोभी नहीं बंद गोभी, बंद गोभी, हाँ जैसे आपका दिमाग बंद हुआ है, आधा किलो बंद गोभी, बंद गोभी आधा किलो होगी, बाकी शिमला मिर्च और गाजर पाव पाओ। तो गाइस क्योंकि बजट सीरीज चल रही है और आप लोग भी देख रहे हो रोजाना, तो आप लोगों को अपडेट करना जरूरी है। अब मेरे साथ आपकी बहन के साथ एक क्या मसला बन गया, वो ये मसला बन गया कि मुस्तफा साहब ने मुझे ला के दी ये दो चीजें, मतलब कि गाजर और साथ में ये, अब उनको मिला नहीं शिमला मिर्च, और आपको पता है स्पेगेटी शिमला मिर्चों के बगैर बिल्कुल मजेदार नहीं होती। तो भाई मैंने फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा मुझे बेचारी मजबूर बंदी को। अब जाहिर सी बात है जो चीजें आस पड़ोस से नहीं मिल रही वो मुझे मंगवानी पड़ेंगी। तो अब ये है कि जहाँ मेरा 1,000 रुपए का खर्चा होना था वहाँ 2,000 का खर्चा हो गया। मारो मुझे मारो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया, उसमें से मैंने जो मंगवाया है वो आपके सामने पेश खिदमत है, जिसमें मैंने मंगवाई है चिकन। चिकन मैंने अभी डालने के लिए नहीं मंगवाई, मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी। इसमें ये जी मैंने मंगवाया है, अल्लाह आपका भला करे, तो कीमा मंगवाया है, ये 1/2 किलो कीमा, और उसके बाद जो है ना मैंने मंगवाई है ये चिकन। मैंने सोचा था कि ना कबाब बना के रख दूँ, ये भी जो है ना बुरे वक्त में काम आया था, जब बंदे के पास कुछ नहीं होता तो बंदा कहता चलो काम चलाओ। तो भाई ये चिकन मंगवाई है हमने, ठीक है, ये भी फ्रोजन है और ये साथ में कीमा, इसका फिर कभी कुछ बना लेंगे। बाकी सब्जियों में मैंने ये देखो, ये देखो ये मिल गई ना हमें ऑनलाइन, ये शिमला मिर्चें मिली हैं, ये 2 शिमला मिर्चें, ये प्याज हरा, ये भी बहुत जरूरी होता है भाई, भाई ये सारी चीजें डलती हैं तभी मजा आता है, नहीं तो ऐसा कोई मजा नहीं आता, फिर लोगों के मुंह बन जाएंगे। तो गाइस अभी अजाने हो रही हैं, ये बाकी चीजें आप लोगों को लगे हाथ दिखा देती हूँ, ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, ये आपकी बहन ने 2,000 का खर्चा कर डाला, ठीक है, तो बात होती है अजानों के बाद। 2,000 years later. तो गाइस वेलकम बैक, हो गया वेलकम बैक कर दिया, आपकी बहन ने आ गई, आपकी बहन ये नमूने भी आ गए। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि हम इतनी देर कहाँ गायब थे, ये जो नन्हे मियां आज इनको लगा हुआ था नजला जुकाम, हेलो हेलो। तो भाई अभी बहुत शरीफ बन गए अपने बाबा जानी के आमद के बाद, मगर आज इनको लगा हुआ नजला जुकाम, तो बड़े ना ये ऐसे चिड़चिड़े से हुए हुए थे, है ना, चिड़चिड़े हुए हुए थे ना, आप ही चिड़चिड़ी है दोनों बहन भाई को, सुबह इसको लगा हुआ था, इसने इसका जूठा पिया, उसने इसका जूठा पिया, तो ये वो भी बीमार हो गया, तो ये हिसाब किताब हुआ है। तो इनको लगा था नजला जुकाम जिसकी वजह से चिड़चिड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे करने नहीं दिया कोई काम, आज हम लोगों ने चिड़चिड़ा था ये काम, तो ना 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 तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, मैं तो बोल के भूल भी गई हूँ क्या मैंने बोला था ये।
और मुझे नहीं कोई मिला काम ऐसी बात। तो गाइस मैं अभी भी काम पे वापस आया हूँ। आप इनकी उजड़ी चमन वाली हालत देख के समझ सकते हो आज दिन भर बहुत विटामिन डी लिए और मुंह के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई। और गाइस ये आपके जो भाई के बाल थे बड़े 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 बाल बहुत टकला करवा ले टकला करवा ले सुन के कानों में पस पड़ गई है पागल हो चुके हैं हम लोग सीधे हैं कम पागल ही। तो गाइस अभी ये हिसाब किताब है किचन में मैंने स्पेगेटियां बॉयल करके रखी है बनाई नहीं है ऐसा मत सोचो तुम बड़े बालों बाल, वाले तो मेरे ना ठीक है सोरेन काल कर वो लोग भाई, ओ भाई उनको कॉले कर करके पता नहीं उनके कानपुर में हड़ताल हो गई है वो कॉल उठा नहीं रहे सिलेंडर नहीं मिल रहा उसके ऊपर से गैस चली गई अब लाइट भी जाने वाली है गैस और लाइट वालों की मिली भगत है ये हम जैसे आम इंसानों को जीने न देवेंगे कोई बात नहीं अभी तुम ये चाह रही है समझ आ गई मैं सिलेंडर अभी लेके आऊँ बड़ी अच्छी बात कही आप ये चाह रही है तुम कितने अच्छे हो कैसे तुम नहीं तू ये तैयारियां पकड़ रही है कैसे समझ जाते हो दिल की बात ये तैयारियां पकड़ रही है तू इतनी तेज नहीं बढ़ना ये भी बजट में होगा ए नहीं ये घर की चीज है नहीं लानी तो ना लाओ व्हाट्स द बिग डील नहीं लानी तो ना लाओ पड़ा रहे ऐसे स्पेगेटियां उसके ऊपर कच्ची सब्जियां खा के खाओ जी हमारे साथ ड्रामे हो रहे ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे एक चिड़िया बिठा दो ऐसे करें चू चू चिड़िया से याद आया माशाल्लाह से हमारे तोतों ने दो अंडे और दे डाले माशाल्लाह मुझे गाइस ये बता दे कॉल पे बता रही थी ना कि भाई अंडे दे दिए तोते ने मैं कहा माशाल्लाह अब उनके भी घर बड़े करने हैं उनके बच्चे उड़ के अपना आशियाना बनाएंगे और नए बच्चे आएंगे तो उनके लिए भी हमें चाहिए क्या क्या चाहिए पिंजरा चलो पिंजरा आपके पास है ना आपने एक अपनी जो पुरानी काम वाली बंदी थी उसके घर पे भाई उसको मैंने कॉल की उसको मैंने कहा मुझे पिंजरा दे दो मगर वो पिंजरा है इनफ छोटा तो वो ये दोनों पिंजरे बेच के एक बड़ा पिंजरा लाया देख लेंगे ठीक है ना क्योंकि उसने नन्ने मुन्ने से गाइस अंडे दिए हैं और उन अंडों के अंदर उनके बच्चे बढ़ रहे हैं ऐसे कि नुकसान पहुंचा दे तो अच्छी बात तो नहीं ना चलो मियां बीवी और अंडे रहेंगे बाकी बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़ेंगे चलो उसको देख लेते हैं उसके पिंजरे का कुछ करते हैं इसके लिए मैं अपने भाई को बुला रही थी मैं कह रही थी आ जाओ और देखो कौन सा जो है ना वो बच्चे हैं कौन से अम्मा अब्बा है मुझे तो इतनी पता है नहीं तो वो भाई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा वो भाई फोन उठा लिया था टाइम पे क्यों रखा हुआ तुमने फोन लो जी इतने गड्डियां चल पई हैं ये देखो इनके कारनामे डेस्क को उल्टा करके नन्हे मियां जो है ना आप ही के साथ घूम रहे मजा आया आप ही थोन पच गए ने मजे ले रहे हो तो चलो गाइस आप चैनल के बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो वीडियो मतलब लाइक करो और आपका भाई सुबह गंजा आने वाला है गंजा था मुझे बड़ा मैं बहुत ही पहले तो भाई तू गंजा हो ना हमारा खत बनवा दे तो गाइस मैं ना गंजा हो गया ठीक है बड़े अजीब सा लगता हूँ लेकिन मजबूरी है ट्रीटमेंट इससे ज्यादा मजबूरी मेरी और आप लोगों की है समझ रहे हो ना ये दाढ़ी हाथों ये गंजा देखना पड़ेगा हमें ये बात सुन के 1 hour later तो गाइस हमें ना एक ये हमारे भाई हैं जो बंदा इन्हें कॉलोनी से वीडियो देखता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएगा ये चूल्हा मूल इनके पास होते हैं लेकिन अभी एक चूल्हा हमें पसंद आ गया मुझे नहीं आगे सिलेंडर बेगम साहब को पसंद आ चुका है लेकिन अभी ये देखो आप लोगों ने बताना है दिखने में कैसा है शानदार है या नहीं शानदार ना ये देख रहे कितने केजी का जी 4 kg का और भाई माल कौन सी कंपनी कौन सी थोड़ी 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 डेटा दे देना अच्छा ये कराची का बना हुआ है या पंजाब का बना हुआ है ये बनता है अरे गुजरा वालो आप देख रहे हो ठीक है आपके शहर की ये कंपनी है देख रहे हो पहचानते हो तो कमेंट करके बताएगा हमें एक सिलेंडर पसंद आ गया 6,500 तो भाई क्या इतने में देना है अभी देना कितना है ये बताएं मैंने आपको देने ही वाली अभी पैसे बना तो बताया अभी ठीक है अभी आपके पक्के कस्टमर है तो गाइस हम ना 6,500 तो देके जाने वाले नहीं है भाई से कम करवाने वाले हैं चीज अच्छी है 7,000 दे चलो चलो वो कह रहे हैं 6,500 दे दे ठीक है हमारा दिल है 5,500 का देने में आपको 5,500 का नोट पैसे कम तो नहीं बोले हमने पठानों के पास ना अच्छा वो पठान कारोबारी होते हैं ना वो कहते हैं कि भाजी हम आपको भाई आपको देगा 10,000 की चीज वो साथ में ठीक है 2,000 रुपए आ जाता लेकिन वो बात ही खत्म होगी वो तो 1 रुपए के 50-10 रुपए बतलाते हैं तो फिर जाके लाते पठान सही पठानो आपको गुड हो गया ठीक है आप ज्यादा पैसे बता के बहुत ज्यादा कम कर देते हैं लेकिन इधर वो 6,500 भाई ने मांगा अभी बताए कितने करने हैं भाई वाले पैसे बताए ना अभी देखिए आपके कस्टमर पक्के हैं ना चले आप पक्के ना 6,300 दे दें लेकिन मैं आपको पैसे ज्यादा नहीं दूंगा अच्छा बात सुनो तो गाइस अभी ठीक है हमें ये मैं 5.5 कह रहा हूँ ये हम डन करते हैं 6,000 में ठीक है 6,000 में डन करते हैं ना आपकी ना हमारी चीज बेहतर है आपके पास बहुत बेहतर आपकी देखो हमारा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरा ये मानना है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं ऐसी बातें नहीं कर क्या हो गया ठीक है ऐसी बात है रहने दो फिर लेते ही नहीं ठीक है ऐसी बात है तो गाइस हम लोग लेते ही नहीं रहने देते हैं भाई ले लेंगे अल्लाह करेगा अल्लाह ताला खैर करे नहीं होता फिर ऐसी बात मौत आई होती वो आई जाती है नहीं मसला वो तो मरना जल्दी जल्दी, जल्दी रेट फिक्स कर लो इससे पहले बाकी मैं आपको एक बात और बताऊं जी जी गैस पाकिस्तान में या एक आध दो मुल्क में और होगी अच्छा
समझे ना, बाकी पूरी दुनिया में सिलेंडर ही चलता है जो है ना। क्या बात, लेकिन एक बात भी है ना। अच्छा एक बात आपको बताऊं, देखो जो बाहर वालों के लिए ना वो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करते, उन्हें पता इस तरह के काम है ना वो बेहतर से बेहतर क्वालिटी बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जी के वो क्या कहते हैं ना, बॉर्डर के ऊपर ना ये औरतें अगर ये मतलब सिलेंडर विलेंडर अगर घर पे बना रहे हो, बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाली बात है उनकी भी ना। हमारे मुल्क में गरीब भी अमीर भी नॉर्मल तबका भी है, दूसरे मुल्कों में जो है अमीर ज्यादा है गरीब भी होंगे कम होंगे। ये बात वहाँ पे जो है ना जरा और क्वालिटी थोड़ी हाई बना देते हैं, लेकिन वहाँ लोग पैसे देते हैं। तू समझा, हाई क्वालिटी बनाए ना बहुत ज्यादा मिलती है तो बहुत कम लोग लेते हैं। चलो तो ये भी हमारे डन हो गया 6,000 में आपको, ठीक है 6,000 देते हैं और बिस्मिल्लाह करो डब्बा पैक कर देते, पैसे नहीं है ट्रांसफर कर देते ना, है ना आपके पास जायज कैश इजी पैसा हुआ ट्रांसफर कर देते, इसमें कौन सी बात है। तो गए जायज कैश इजी पैसा या बैंक अकाउंट जो भी उनके पास, हम मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं। बाकी हमारा सौदा डन हो चुका है, आपने कमेंट से ग्रुप करना, आपने 6,000 में महंगा लिया है सस्ता लिया या मुनासिब लिया है ये जरूर आपने अपनी राय का इजहार करना। ठीक कंपनी आपको बता दी अपनी आपके सर की कंपनी 3,000 का भी, ये 3,000 का भी है, लेकिन ये जरा कंपनी अच्छी क्वालिटी अच्छी भाई साहब। अच्छा इधर दिखाई दे, एक चीज चेक करिए खड़े हो जरा, एक मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया खड़े होकर बता दी, उन्होंने बोला है कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी है, देखिए जरा देखिए ये देखिए ये देखिए 6,000 का ये चक्कर है कि अंकल भी पूरे खड़े हो गए हैं और उसने बदल सह लिया। क्या बात है, गुड हो गया राज, गुड हो गया जी। आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद लाइक वो आपने फटाफट जरूर करना है। तो अभी चलते हैं, हमने चूल्हा तो ले लिया, अभी इसके अंदर खाना भी यही पकाएंगे ना, इधर ही पकाएंगे आप पकाओगे। अच्छा चलो सही, ये देखो भाई जान, अच्छा बोले बोले ये इसमें प्रेशर भी है चेक करो है आइए मान, अभी नहीं इतने आ रही आप आ रही है ना आज, बस सही आ रही हल्की आ रही है, अंदर होता है इसके गैस नहीं नहीं प्रेशर चेक मार के वो करते हैं, अगर लीक होता ना एसपी हवा निकल जाती। कैसे हवा ओके चलो सही डन हो गया सही, गुड खुश हो खुश हो। हाँ मैं चीके मार मार के मार रही है, नाक में मसाला घुस गया भाई, ये क्या आफत मेरे मथे लगा दी है। तो गैस, मैं पकाऊंगा। तो गैस सबसे ये चेक करें तकी पापा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप माशाल्लाह कर दे हमारे घर में ना बिल्कुल जीरो मीटर, जीरो मीटर हमारे पास सिलेंडर आ चुका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बेगम साहबा ठीक है, इसके ऊपर पहली हांडी फैंसी बना रही है मैक्रोनी, वाह 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 क्या बात है। आप लोग अगर मैक्रोनी लवर हो तो कमेंट्स करके जरूर बताओ कितने के लवर हो, हमारे घर में तो सारे के मैक्रोनी लवर है। क्या हुआ क्या हुआ है, तो आप जल्दी से अच्छा सा करके बताओ, भूख लगी टाइट की इसको दाम, तो गाइस आपका भाई ना सुबह से यकीन करो सुबह से ना भूख है, सुबह से नाश्ता इतना सुबह सॉरी नाश्ता करके गए सुबह का, इतनी टाइट भूख लगी मैं बता नहीं सकता। मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुनो, मैं क्या आपके पीछे ले लेकर आऊँ, मैं आपको बोलूँ क्या खाना बना लिया आप खा लो बाजार में आऊँ आपके पीछे, बताओ क्या हो गया आपकी काम वाली जगह आऊँ, ये क्या चाहता है ये बंदा, बाहर से खा लिया करो यार। अब आप दिन में जब घर पे नहीं होते तो मैं आपके पास कहाँ आऊँ खिलाने, खा लिया करूंगा नक्शे में सही होगा ठीक है। ये कह रही देखो हमारे पास बहुत बड़ा शेफ आया, ये भी अपने भाई के नक्शे कदम में चल रही है भाई। आप गाइस चैनल के पर नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट है, वीडियो पसंद है लाइक भी जल्दी करो, अभी मैक्रोनी का इंतजार कर रहे हैं, इतनी टाइट भूख लगी है ना मैं बता नहीं सकता। पकड़ के लाए उसे। A few moments later. Guys, आपकी बहन ने माशाल्लाह से फाइनली बना लिया मैक्रोनी। हाँ जी मेरी जान क्या हुआ आपको, बोले जान बिल्कुल ना पागल हो रही है गर्मी के मारे। अच्छा तो चलो गाइस अभी हम लोग खाना खाते हैं और आज के ब्लॉग इधर एंड करते हैं, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया प्लीज लाइक करो, चैनल के बने हो सब्सक्राइब करो, कल आपका भाई गंजा होने वाला है, झूठ बोल रहा है। और कल मेरे ये हसीन बाल, आपकी बहन का भी हाथ बन जाएगा, मैं कल होने वाला गंजा गंजा आने वाला हूँ, मैं बहुत मनहूस लगने वाला हूँ कल, तो आपने मुझे मनहूस लगने के चक्कर में प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना है। टाटा बाय बाय।